अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरो यूएसडी के वीकली टेक्निकल एनालिसिस, इसके मेजर लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन से हैं, और नेक्स्ट वीक इसकी मूवमेंट जो है बुलिश रहने वाली है या बेरिश रहने वाली है, डिटेल के साथ साथ बात करेंगे। उससे पहले अगर आप ऑक्टा एफएक्स ब्रोकर में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाले लिंक को प्रेस करके आप न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टा में ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप किसी और ब्रोकर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप फिर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप मेरी टीम से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा VIP ग्रुप है, सिग्नल ग्रुप है, उसमें हम एक्यूरेट सिग्नल शेयर करते हैं, उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब ये आपके सामने यूरो यूएसडी H1 टाइम फ्रेम है, यूरो यूएसडी पेयर और H1 टाइम फ्रेम। मौजूदा प्राइस की बात की जाए तो वो चल रही है राउंड अबाउट 20-15 राउंड अबाउट चल रही है। अच्छा, नेक्स्ट वीक सबसे पहले तो मैं आपके साथ जो लेवल इसके शेयर कर रहा हूँ ना, आपने उन लेवल को अपने मोबाइल फ़ोन में, PC में, लैपटॉप में उनको ड्रा कर लें, ठीक है। अगर उन लेवल पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपकी जो विनिंग चांसेस हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सबसे पहले वाला जो आपने लेवल ड्रा करना है उसकी वैल्यू है 1.1989, 1.1999। दूसरा लेवल आपने ड्रा करना है 1.2013। तीसरा लेवल आपने ड्रा करना है 1.2155। और चौथा और आखिरी जो लेवल है उसकी वैल्यू है 1.2192। ये चारों लेवल आप अपने ड्रा कर लें। ड्रा करने के बाद इस पर आप ट्रेड करें। इस पर ट्रेड करने का तरीकाकार ये होता है कि मार्केट अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो हम ऊपर में बुलिश ट्रेड लेंगे, अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर जाती है तो कन्फर्मेशन कैंडल स्टिक कन्फर्मेशन के हिसाब से हम सेलिंग में नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। वैसे अगर आप ये पूछें कि नेक्स्ट वीक आप ये बताएं कि मार्केट बुलिश रहने वाला है यूरो यूएसडी का पेयर या सेलिंग में रहने वाला है, तो उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट जो है ना, ये जो मैंने आपको ये एरिया ड्रा करके रखा हुआ है ना ब्लू सा, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है मार्केट इस लेवल से बुलिश हो जाएगी, ठीक है। ये एक तगड़ा अच्छा एक इसका लेवल है। यहाँ तक मार्केट जैसे ही इस लेवल के हो सकता है मे भी मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाए, ठीक है। तो मज़ीद देखें, अगर तो मार्केट थोड़ा बहुत स्लिप कर दी जाती है नीचे भी, तो 1999 और 2013 ये बनते हैं समथिंग 25 पिप, राउंड अबाउट 20-25 पिप। तो इस एरिया या इस लेवल से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट ने बुलिश हो जाना है, बाय में चले जाना है। नेक्स्ट वीक मार्केट यूरो यूएसडी की बाय में है, बुलिश ही रहेगी। अगर आप H1 में एक ट्रेंड लाइन ड्रा करके देखें ना H4 में, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ वाजे होती है कि मार्केट, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये चीज़ चेक करें ना H1 में ये देखें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ना जी, यहाँ पे एक बार यहाँ टच किया मार्केट को बुलिश होगी, फिर दूसरी बार, तीसरी और चौथी बार जैसी मार्केट यहाँ पर आएगी ना, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट मज़ीद बुलिश चली जाए। इस ट्रेंड लाइन एक कन्फर्मेशन हमारे पास ट्रेंड लाइन की है, दूसरी कन्फर्मेशन हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की है, और थर्ड तीसरी कन्फर्मेशन आप लेंगे अगर आपको इन लेवल्स पर कोई अच्छी कोई कैंडल मिले, कोई बुलिश कैंडल, जैसा कि ये एक कैंडल बनी हुई है ये वाली, इसी तरह से कोई बुलिश कैंडल आपको दिखे तो आप ज़रूर इस एरिया से यहाँ से नीचे आ जाए मार्केट यहाँ से, ठीक है, तो आप ज़रूर इसमें बाय का ऑर्डर प्लेस करें। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में कोई कैंडलस्टिक, कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक मिलती है तो आप लाजमी से इसमें ट्रेड प्लेस करें, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट बुलिश रहेगी। और अब अगर आपको यहाँ इस लेवल से कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो स्टॉप लॉस जो होगा ना वो आपका बिल्कुल शॉर्ट बन रहा होगा,
बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस होगा आपका, और ये ट्रेड यूरो यूएसडी की मिस करने वाली नहीं है। यहाँ से अगर आपको कोई कैंडल मिले नीचे, मार्केट यहाँ से मिले तो भी लें, नीचे से मिले तो भी लें, 35 पिप का, 50 पिप का राउंड बॉट ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस बनेगा। और जो आपका रिवार्ड बनेगा ना, टीपी बनेगा, मिनिमम भी आपका बनेगा 21-55 तक आपने टारगेट लगाएंगे ना, तो 100 पिप्स अबव आप इसका टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, TP1 आपने लगाना 21-55 का और TP2 21-92 का। काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं कि नेक्स्ट वीक यूरो यूएसडी बुलिश रहेगी, 20 पिप राउंड अबाउट नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, नीचे आ सकती है, उसके बाद इसने बुलिश हो जाना है। ये मैंने बोल दिया 100% कन्फर्म नहीं है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाती है नीचे तो फिर ज़ाहिर सी बात है इसकी सिचुएशन या कंडीशन चेंज हो जाएगी, तो फिर हमें ज़ाहिर सी बात है कि नीचे की तरफ जाना होगा। तो इतना ज़्यादा इसमें नहीं है कि इस सेलिंग इसकी इतनी तगड़ी या अच्छी सेलिंग नहीं है कि मार्केट नीचे की तरफ आए। इन लेवल्स पर जो मैंने एक ब्लू सा ड्रा किया हुआ है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट बुलिश हो जाना है, और अगर आपको बुलिश ट्रेड मिले तो ज़रूर लें। अदरवाइज़ ये वीडियो को इन्वेस्टमेंट एडवाइज़ नहीं है, ये मेरे खुद की टेक्निकल एनालिसिस है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप इन्वेस्ट बगैर सीखे बगैर समझे इसमें इन्वेस्ट कभी भी ना करना, बगैर नॉलेज के आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कभी भी फ़ायदा नहीं होना। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। चलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।